أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبلا والآخر بلا آخر يكون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم سيدنا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. दुनिया जिस मकाम पर ठहरी हुई है अगर इसको कोई संभाल सकता है तो वली अज़मा है और इंसान की कुदरत से बाहर है कि हम इन हालात पर काबू पा सकें। इसलिए बेहतरीन दुआ यह है कि मौला तशरीफ लाए, तो ज़ुहूर मौला की दुआ से बेहतर कोई दुआ नहीं है। दिल की गहराइयों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عجل فرجا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وعلى قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले आगाज़ कलाम है अल्लाह की इस्तेमदाद मदद के साथ जो बड़ा करम नवाज मेहरबान है। जब तक कि हम लोग इरादे नहीं करेंगे नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। इन अजीम दिनों को जो अय्यामुल्लाह हैं जिनका कोई पैरेलल दुनिया में नहीं है, मुतबादल इंतज़ाम अल्टरनेटिव दुनिया के पास इस तरह का इंतज़ाम नहीं है जिस तरह से मजलिस हुसैन का है अलैहि अफ़ज़लु सलातु वस्सलाम। और इसको फिक्री और इस्तिमदाद इलाही के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। इन इवेंट्स को जो बहुत ही अहम हैं, तारीख साज हैं, अगर हम प्रोजेक्ट्स में बदल दें तो मुमकिन है कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। क्या माना है आज सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ है, ज़रा सा मुकद्दमतन थोड़े से थोड़ी बातें हमारी सब्र के साथ सुने और कोशिश करें कि इसको दर्क कर सकें, परसीव कर सकें और प्रैक्टिकल अमली दुनिया में कुछ काम कर सकें। मुहर्रम एक माँ की आवाज़ का नाम है। मुहर्रम एक माँ की दुआ का नाम है। मुहर्रम दिलों में तहलका मचा देने वाला मकाम है। मुहर्रम इनफरादी इज्तिमाई इनकलाब का मुहर्रिक है। अगर इसका आगाज सही हो जाए तो साल भर भी हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। बच्चे की जिंदगी का आगाज गिरिया से शुरू होता है। गोया इंसान की फितरत है कि अगर तुम जिंदा रहना है तो रोना सीख। अगर हमें जिंदा रहना है तो गिरिया करना है। तो गिरिया बुजदली की निशानी नहीं है, गिरिया जवान मर्द ही कर सकता है। अली जैसा फातह खैबर मसल्ले पे जाता था तो ऐसे गिरिया करता था जैसे नन्हा बच्चा है। फमुस्सल फिल महराब यतमलमलो तमलमलो सलीम, बिलक बिलक करके रो रो के। तो रोने वाले ही मैदान में आ सकते हैं। जिनका दिल नर्म होता है यतीमों के लिए बेकसों के लिए वही जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। जरूरत है कि हम लोग हमारे इदराकात हमारे शऊर में कुछ तब्दीली लाएं। और जब तक हमारा शऊर बदलेगा नहीं हमारा अमल बदलने वाला नहीं है। किस तरह से प्रोजेक्ट में तब्दील करें, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें। बच्चों से अपने बच्चों से कहें मुहर्रम शुरू हुआ है, 7 साल के अंदर बच्चों से कहें कि जो वाकयात मौलाना बयान करेंगे या आलिम बयान करेगा या जाकिर जितना हो सके तुम याद करो उसको लिखो। उससे आगे बढ़कर 7 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों से कहें कोशिश ये करो कि जिन आयतों को प्रेजेंट किया जा रहा है उन आयतों को लिखो। 14 साल से आगे बच्चों से ये कहें
जब फलसफे बयान किए जा रहे हैं, दीन को बयान किया जा रहा है, उसको कलमबंद करूं। और ये 12 दिन के बाद बच्चों से पूछें कि क्या सीखा है, और एतबारी नतायज के साथ बच्चों को एनकरेज करें। अगर ये मसला खुसन यहाँ पर स्कूल भी चलता है, यहाँ पर शरीकतुल हुसैन में अलैहिम अफ़ज़लुस्सलाम, यहाँ पर बच्चों के लिए यह होमवर्क बनाया जा सकता है कि जो बच्चा ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा उसके लिए वो इनाम मुकरर करे। ये क्यों करना है? इसलिए कि ट्रेडिशनल सलीके से हटकर, अगर सुन्नती तरीके से हटकर हमने प्रोडक्टिव काम करना है तो ये तमाम बातें ज़रूरी हैं। वरना होती है मजलिस, माशाल्लाह हर मजलिस मजलिस इमाम हुसैन है, हर खतीब हर आलिम कुछ ना कुछ देता है, कोई मजलिस खाली नहीं जाती। लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाने का सलीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ये तरीका हमने ईजाद किया तो इम्कान है कि हमारी नई नस्लों में वो इनकलाब बरपा हो जाए कि इमाम आ सके। ज़ुहूर इमाम सिर्फ लफाजी का नाम नहीं है, अमली तैयारी का नाम है, और अमली तैयारी शुऊर के बदलने से होती है, और जब शुऊर बदलता है तो अमल भी जरूर बदलता है। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, वाजिल फर्ज। इस साल का मौजू दकीक, बहुत इनडेप्थ, बहुत ज्यादा फिक्री, और जिसको दुनिया खुश्क कहती है, ड्राई, वह है दीन असीर। अच्छी तरह से आज के मौजू को, चूंकि मेरे साथ आप लोग 10 दिन रहने वाले हैं, इसको अच्छी तरह से कोशिश करें कि इसको समझ जाए। और आज के दिन हम ये कोशिश करेंगे कि तबईन मौजू हो जाए। तबईन यानी मैनिफेस्टेशन, क्लियर करना, बताना कि है क्या चीज़, ये क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं, आप क्या उम्मीद रखें और हम आपसे उम्मीद क्या रखें। कैप्टिव रिलीजन है मौजू दीन असीर। हकीर हमेशा से ये कोशिश करता रहा है कि जो भी बोलूं मेरे पीछे बैकअप के लिए या कुरान हो या मासूम की सच्ची हदीस हो, इसलिए कि मेरी जबान का कोई असर नहीं है लेकिन कुरान का असर है, मासूम के कौल का असर है। उस असर का कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, कोई और अल्टरनेट नहीं है, इससे बेहतर कोई नहीं है कि हम लोग इंस्पायर हों, इंफॉर्मेशन लें, ये मालूमात लें, सबसे पहले कुरान मजीद से, उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल से। ये मौजू मेरे जहन में आया क्यों? मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहि अफजल सलात व सलाम अमीर कलाम जब कह देते हैं तो कह देते हैं, उसके ऊपर अगर कोई है तो अल्लाह कह सकता है। आज के क्राइसिस, पाकिस्तानी क्राइसिस, मुसलमानों के क्राइसिस, ह्यूमैनिटी के क्राइसिस, अगर इसका हल है तो ये खत मौला का 53rd लेटर है मालिक अश्तर के नाम, 53वां खत है नहजुल बलागा में। आप लोग जाकर के रेफर कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ एक ही जुमले के हिस्से से पूरी मजलिसों को तरतीब दिया हूं, और बहुत ही अच्छी तरह से ये खत मौला ने एक मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे होना चाहिए उसके लिए भी दिया है। 1400 साल पहले मौला ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों को बताया है, अगर उसका एक्सपेंशन देखते हैं तो मगरबी दुनिया में,
और उसका इन्हेताब देखते हैं तो मुसलमानों के पास, मुसलमानों को पता भी नहीं है कि इस तरह का खजाना मौजूद है। हुसन मोमिनीन तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सामने एक एजाज आया इनकलाब इस्लामी की सूरत में। इस इनकलाब ने कुछ बताया कि फिक्र क्या है, अमल क्या, और अमली दुनिया में इन्होंने साबित किया कि अगर फिक्र अमल में बदल जाती है तो कोई इंसान उसको रोक नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख शुक्र है। ये लेटर इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, हर लीडर के हवाले करना चाहिए, एरिया का लीडर, काउंसलर, आगे बढ़कर एमएलए, एमपी, जो 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 सिस्टम है आपके पास, स्कूल को चलाने वाले, यूनिवर्सिटीज को चलाने वाले, हर एक आदमी पढ़ना चाहिए ये, और भी बड़ी दिक्कत से रिसर्च करना चाहिए। देखिए मौला का जुमला, मालिक बहुत गौर करो, इन्ना हादीन काना असीरन बेदिल अशरार, बहुत खूबसूरत है अली, बहुत खूबसूरत है उसकी गुफ्तगू। ए मालिक अश्तर, ये दीन कौन सा दीन, इस्लाम, काना असीरन, कैदी था, मेरे साथ रहे, काना असीरन बेदिल अशरार, शरीर लोगों के हाथों में ये कैदी। बहुत गौर चाहिए, बहुत फिक्र चाहिए, यानी शरीर लोगों के हाथों में ये दीन क्या है, कैदी था। शरीर कौन है, शरीर उनकी शरारत क्या है, युअमलु बिल हवा, ख्वाहिशात पर अमल करते हैं, वो यतलुबु बिहि दुनिया, इसके जरिए से दुनिया लेते हैं। और आज भी वही मसला है, कुर्सी क्यों, ख्वाहिशात पर अमल, कुर्सी क्यों, पैसा कमाना, कोई क्या हो जाए, कौम बर्बाद हो जाए, कौम भूखी मरे, कौम परेशान हो, कोई परवाही नहीं है। इन्ना हाथ जो 1400 साल पहले अली ने कहा था, आज भी आवाज गूंज रही है, इन्ना हाद दीन कान असीरन बेदिल अशरार, ये दीन शरीर हाथों के कैद में है। है मेरे साथ आप लोग, नहीं है, समझ आ रही है बात, बात बात समझ में आती है कि नहीं है। शरारत के हाथों में शरीर क्या, क्यों मौलाना फिर शरा की, उसकी शरा क्या है, युअमलु बिल हवा, ख्वाहिशात पर अमल करते थे। यहां से एक दुनिया खुलती है, यहीं से मेरा आगाज, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज्जल फरज, मैं जवानों से ख्वाहिश करता हूं नोटबुक लेकर के बैठे, अरे इन मजालिस को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझें। और जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अपनी क्लास में बैठते हैं और नोट लिखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज हमारे हाथ से चूक ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में जाकर के सुन भी सकते हैं और गौर से देख भी सकते हैं। जिस आयत का इंतखाब हमने इस सिलसिले में किया है, सूरह जासिया कुरान का 45वां सूरा है। आगे बढ़ने से पहले फिर एक मुकदमा, इसलिए कि बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगियां हाईजैक हो चुकी हैं, हमारी जिंदगियां अगवा हो चुकी हैं, हम अपनी जिंदगी के मालिक नहीं हैं। कोई और कह रहा है कि तुम इस तरह से जिंदगी गुजारो, हम गुजार रहे हैं, तो गोया हम दूसरों के हाथों के गुलाम हैं, और जो वो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। चुनांचे समर आने से पहले बताया जाता है कि ये ड्रेस कोड होगा, ये इस साल का ये ड्रेस है, वही ड्रेस पहन लिया। विंटर आने से पहले ये कोट होगा, ये शूज होंगे, आज का इस साल का ये जमाने का ये है, और तुम्हारे रनर रनिंग शूज ऐसे होना चाहिए। हम उसी तरह से कॉपी करते चले जा रहे हैं, गोया कोई हमें हांक रहा है और हम उसके बताए हुए रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। हमारे कंट्रोल में हमारी जिंदगी नहीं है।
तो क्या करें, इसे कैसे बाहर आएं? हाउ कैन वी गेट अप? किस तरह से बेदार हों? क्या तरीका है? गौर करें, मेरे साथ रहें। बेहतरीन तरीका जो है हमें देखना है कि हम उलझे किधर हैं, उसका सरा क्या है। पूरी जिंदगियां उलझ गई, हमारी इक्तिसाद उलझ गए। आप लोग यहां सब बैठे हुए, सब परेशान हैं। चावल की कीमत बढ़ गई, आलू की कीमत बढ़ गई, ये कीमत बढ़ गई, गोश्त की कीमत बढ़ गई, क्या से क्या हो रहा है। हर रोज महंगाई बढ़ रही है, हर रोज परेशानी हो रही है। लेकिन कौन ये कर रहा है और क्यों कर रहा है, हमें कोई इसका ख्याल नहीं है। कैसे कर सकते हैं, यह है कुरान। ये जो हमारी जिंदगी हाईजैक हो चुकी है, अगवा हो चुकी है, इसको कैसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? कुरान इलाज बताता है। फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना हो सके कुरान पढ़ो, जितना हो सके कुरान पढ़ो। मैं कुरान कह रहा हूं, कुछ असर नहीं हो रहा किसी पर। मैं कुरान कह रहा हूं, किसी पे असर नहीं हो रहा हूं। अरे मैं कुरान कह रहा हूं यानी अली कह रहा हूं। अलीयुन मअल कुरान वल कुरानो मअली, हुसैनुन मअल कुरान वल हुसैनु मअ अली। आप कहते चले जाए मासूम, इसलिए कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होते। जो कुरान की फजीलत है वही फजीलत अहले बैत की है, जो फजीलत अहले बैत की है वही फजीलत कुरान की है। तो कुरान पे भी वैसे ही झूमिए जैसे अली की फजीलत में झूमते, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है और इसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। कुरान के नाम से हम लोग पीछे हट जाएं, हमारा काम नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि फकरउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना हो सके रोजाना कुरान पढ़ो, रोजाना कुरान पढ़ो। सरकार ने फरमाया जो 10 आयतें पढ़ेगा, लम यक्तुब मिनल गाफिलीन, कभी वो गाफिल नहीं रहेगा। हीडलेसनेस, गफलत के पर्दे उसके सामने नहीं होंगे। कितनी आयतें? 10 आयतें बस। कल सुबह से, पार्सल भी मैंने कहा था, सारी दुनिया में जाता हूं, जहां भी जा रहा हूं, ये 10 साल से मेरा ये मिशन है कि मुसलमान कुरान की तरफ लौट जाएं, कुरान की तरफ पलट जाएं, जिस जाविये से हट गए उस जाविये पे पहुंच जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी है। रोजाना 10 आयत। किस मजलिस में बैठे हुए हैं? मजलिस हुसैन में है। कौन है हुसैन? जिसका सर कटने के बाद भी वो कुरान से जुदा नहीं हुआ। कुरान सर से बोल रहा था, सर कुरान बोल रहा था। माना यह है कि हमें कुरान से तुम जुदा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अल्लाह और एक बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाह اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اشهد ان لا اله الا انت هيا على الصلاة يا على الفلاح يا على الفلاح يا على خير العمل عند خير الله لا اله الا الله لا اله الا الله صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد اللہ
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين الہی پروردگارا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کو بہتر حالات سے بدل دے. وہ بہتر حالت سوائے ظہور کے کوئی ہونے والی ہے. مولا آپ کا ظہور جلد سے جلد فرمائے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. کتنی آیتیں روزانہ؟ 10 آیتیں. آج سے کوشش یہ کریں, پہلی چاند رات ہے یہاں سے, کل پہلی ہے, قرآن کی ابتدا کریں. کس کے نام سے ہدیہ کریں؟ مولا امام حسین کی نیت کریں. کل سے قرآن شروع کریں کس کے نام سے؟ امام حسین کے نام سے. ہو سکے تو روزانہ ایک پارہ, ایک محرم ہے پورا قرآن کمپلیٹ کریں. نہ ہو سکے تو 2 مہینے 8 دن آپ کے پاس ہے, 2 مہینے 8 دن میں پورا قرآن مولا حسین کے نام پہ ہدیہ کریں. لوگ پوچھنے, مولانا ہم اور مولا کو ہدیہ کریں, تو یہ درود کیا پڑھتے ہو؟ جی, اللہم صل علی محمد. کیا ہے درود؟ کیا ہے معنی درود کے؟ اے پروردگار, اللہم, اے اللہ, درود بھیج محمد. ہو کیا معنی درود بھیج محمد والے محمد؟ وہ رحمت للعالمین ہے, ان پر کیا درود ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں گلاس پانی ہے, اس میں پانی اور اونڈیل رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ میرے اوپر آئے گا. جتنا صلوات پڑھو گے, جتنا قرآن پڑھو گے, پلٹ کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد. مولا کو ہدیہ کرنے کے بعد ان کے صدقے میں اپنے تمام مرحومین کا نام لیجئے, انشاءاللہ بخشائش میں بہت آسانی ہو. اس سے زیادہ اسپیڈ اپ پروسیس ہو ہی نہیں سکتا کہ ان ذوات مقدسات کے ذریعے سے ٹربو لگا دیں تاکہ پورے مسائل ہمارے حل ہو سکے دنیا اور آخرت. تو روزانہ کتنی آیتیں پڑھیں گے کل سے ہم انشاءاللہ؟ کیوں 10 آیتیں؟ اس لیے کہ دنیا نے ہمیں جدا کر دیا, ہماری حقیقت سے جدا کر دیا ہے. ایک بستر پر میاں اور بیوی کو الگ کر دیا, ساتھ سوتے ہیں ہمسر لیکن بیوی بھی کسی اور سے بات کر رہی ہیں, شوہر بھی کسی اور سے بات کر. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے بیوی بہن سے بات کر رہی ہو, خالہ سے بات کر رہی ہو, ماں سے بات کر رہی ہو, یہ بھی اپنے رشتہ دار سے بات کر رہے ہوں, یہ کہ بزنس کا کام کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن بستر ہے, ہن لباس لکم, قرآن کہتا ہے سب سے کلوزس جو ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے, میاں بیوی سب سے زیادہ, جن کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے, وہاں پر کوئی اور پردہ نہیں ہے, وہاں پر بھی شیطان آ کر کے جدا کر دیا. جب بستر پہ جدا کر دیا تو دستر پہ کرے گا کہ نہیں؟ جدا کر دیا اس نے. اس کا علاج یہی ہے کہ سونے سے پہلے میں برابر دیکھتا ہوں میسج کیا آیا ہے, اٹھتا ہوں تو آنکھ رگڑتا ہوں میسج کیا آیا ہے, اتنا میں چپکا ہوا ہوں اس سے یا یہ مجھ سے چپک گیا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ میں روزانہ نیت کروں, اس وقت تک میں اپنے فون کو نہیں کھولوں گا, میسج کو نہیں دیکھوں گا جب تک کہ اللہ کا میسج نہ دیکھ لوں. جب اللہ کا میسج پڑھنے لگوں گا تو پھر کوئی میسج مزہ نہیں دے گا. یا اللہ کا میسج مزہ دے گا یا اللہ والوں کا میسج. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ابتدا عشق ہے, آپ کی صلوات کیوں اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ اللہ غور کریں بہت اچھی طرح سے, 10 آیتیں روزانہ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن, قرآن کہتا ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ, جلدی جلدی قرآن مت پڑھو. ورتل القرآن, ترتیلا قرآن کو آہستہ آہستہ ٹہر کے پڑھو. کائے کے لیے پڑھوں؟ مردوں کے لیے نہ, قرآن زندگی کے لیے آیا ہے, وہ ایک سورس ہے, موٹیویشن فیکٹر ہے, محرک عمل ہے. مرحوم کے نام سے کم از کم قرآن کو کھول لے, ورنہ قرآن آیا ہے زندوں کو زندہ کرنے کے لیے, زندگی دینے کے لیے قرآن آیا. قرآن پڑھو کاہے کے لیے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کیا تم تدبر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے,
ये रिसर्च की किताब है, डमीज की किताब नहीं है, रिसर्च की किताब है, तहकीक की किताब है, फिक्री किताब है। एक एक लफ्ज नूर हदीस में है कि जो भी कुरान पढ़ता है हर हर्फ के अवज में अल्लाह एक नूरी मखलूक पैदा करता है, यानी एक एक फरिश्ता पैदा करता है एक हर्फ के अवज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ हैं, 786 नंबर है, जो अबजद का नंबर है वो वैल्यू है, लेकिन हुरूफ कितने हैं? 19 हुरूफ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा अल्लाह ने मेरे लिए 19 फरिश्तों को पैदा किया। क्या करते हैं? मेरे लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जब तक मैं मरता। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब आज मुसलमानों के इन्हेतात जिल्लत की सबसे बड़ी वजह यह है कि बाइज्जत देखिए किताब नूर है, किताब जिंदगी है। इस किताब नूर और किताब जिंदगी से दूर हो जाने के माने जिंदगी से दूर हो जाना और नूर से दूर हो जाना। अंधेरे में जब चले जाते हैं तो ये हालत यही होती जो हो रही है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। वाजिल फरज अल्लाह सलामत रखिए। बहुत अच्छी तरह से गौर करें हम। कितनी आयतें पढ़े हम लोग? वायदा है ना आप लोगों का, कल से पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? कोई जो जी आला नौजवान पूछे मौलाना आप कितना पढ़ते हैं जी? अगर नहीं पढ़ता हूं तो असर भी नहीं होगा। कोशिश मैं करता हूं एक पारा पूरा पढ़ूं। अगर ना पढ़ूं मैं तो मेरे बोलने का कोई असर आप पे होने वाला नहीं है। न सिर्फ मैं पढ़ता हूँ बल्कि कोशिश करता हूँ ग्रेटर उलमा, जैसे आजकल मैं तफसीर पे काम कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ आयतुल्लाह जवाद अमली हफ़ज़हुल्लाह की तफसीर तस्नीम 45 जिल्दों से ज्यादा आगे बढ़ गई है। एक एक लफ्ज को उन्होंने डाइसेक्ट किया है, एक एक लफ्ज की शरह की है। खूबसूरत कुरान है, कुरान हमारी जिंदगी में नहीं है कुरान, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं असरात क्या हो रहे हैं, गुलामी हमारी किसके हाथ में है, हम कौन, हमारा कौन आका है। अगर हम कुरान की तरफ चले जाएं तो हमारी गुलामी खत्म होने वाली है, हमारा आका कौन होगा? देखिए बहुत अच्छी तरह से मौला के माने किए हैं दो, बाज ने 24 माने बताए हैं, बाज ने दो अहम बातें बताई हैं। जैसे मौलाना रोमी ने अपनी जिल्द शिशु में 6वीं जिल्द में दो मना मना बताए हैं मौला के माने मुअत्तिक मुअत्तक। मुअत्तिक यानि आजाद करने वाला, मुअत्तक यानि आजाद शुदा। आजाद कौन कर सकता है? जो खुद आजाद हो, जो खुद गिरफ्तार हो, वो कभी किसी दूसरे को आजाद नहीं कर सकता। जा सबब पैगंबरे मां बा इज्तिहाद नाम खुद उन अलीरा मौला नहाद। इसीलिए रसूल अकरम ने अपना नाम भी मौला कहा और अली को भी मौला कहा। मन कुंतो मौला, मैं जिस जिस का मौला, यानी लफ्ज मौला खुद रसूल पर है, उसके बाद उसका मौला। मैं यहां एक जुमला कह दूं, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब किबला ने भी, अल्लामा तारिक जमील साहब ने भी, और इंडिया के बड़े नदवा के बहुत बड़े आलिम मौलाना सलमान नदवी साहब सैयद साहब, उन्होंने भी चीख चीख के कहा है ये मन कुंतो मौला अलीयुन मौला। ये कोई सुन्नियों की शियों की नहीं, सुन्नियों की किताबों में भी मौजूद है। मैं किस किस को मैं इनकार करूं? 19 सफ़ों की एक मुख्तसर सा जुजवा लिखा है सलमान नदवी साहब ने, उसमें लिखा है कि मेरे पूरे बड़े बड़े उलमा ये कहते हैं कि सच्ची हदीस है मन कुंत मौला फहादा अलीयुन मौला। वो भी कह रहे हैं मन कुंत मौला, हम भी कह रहे हैं मन कुंत मौला, फिर झगड़ा काहे का है भाई? जब दोनों मौला मौला कह रहे हैं, शिया तुम भी सुनो, सुन्नी तुम भी सुन लो, गदीर ऐलान मोहब्बत अली का दिन नहीं है, ऐलान विलायत अली का दिन है, ऐलान हुकूमत अली का दिन है। मन कुंतो मौला, मैं जिस जिस का हाकिम हूं अली उसका हाकिम हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जां सबब पैगंबर बा इज्तिहाद नाम खुद उन अली रा मौला नहाद। गुफ्त हर के हंस
ये कहा सरकार ने, जो भी मेरा मौला, जो जो मैं जिन जिन का मौला हूं, ये अली उसका। उसके बाद आते ये शेर, ये खुलासा है कि इस मौला उनके आजादत कुनद, कौन है मौला जो तुझे आजाद कर दे, जो तुझे आजाद कर दे वो तुम्हारा मौला है, तुझे कैद में ले जाए वो तुम्हारा मौला नहीं है। किस मौला उनके आजादत कुनद, बंदे रिक्कियत ज़पायत दर कनद, जो पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई हैं उनको तोड़ डाले है वो अली। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद रा। कहाँ है मेरे मौली, ममिन है कि नहीं यहां पर, बात समझ में आ रही है। किस मौला उनके आजादत कुनत, कौन है मौला जो तुम्हें आजाद कर दे। आज जाके पूछे क्या मैं आजाद हूं या कैदी हूं, मैं कैदी किसका हूं, टेलीफोन का कैदी हूं जी, रोटी का गुलाम हूं जी, बिल्ली से डरता हूं, बीवी से डरता हूं, बिल्ली का गुलाम हूं, किसका गुलाम हूं मैं, सब चीजों का गुलाम हूं। इसीलिए हदीस में कि मन खाफ अल्लाह अखाफ अल्लाह मिनहु कुल शय, अगर तू अल्लाह से डरेगा तुमसे हर चीज डरेगी, अगर तुम अल्लाह से नहीं डरोगे तो तुमको हर चीज डराएगी। तो आज हमारा खौफ बता रहा है कि हम लोग आजाद नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं समझा था शायद नारे बैंड हो गए क्या शरीकतुल हुसैन में जी, इतने फजाइल के बाद भी नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मेरे साथ रहिए और गौर कीजिए इस आयत पर, जरा आयत के जुमलों पर तदब्बर तफक्कुर। सूरह जासिया 45 सूरह, आप जाकर के रेफर कीजिए, आयत नंबर 23। अफराईता मन इत्तखदा इलाहु हवा, क्या तुमने नहीं देखा जिसने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया। हवा कहते हैं अरबी में किसको, ख्वाहिशात को, ख्वाहिशात को, ये मैं, ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, 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 मैं, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है, ये सब ख्वाहिशात है। अफराईत मन इत्तखदा इलाहु हवा अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, ये जो गुमराह हुआ है जहालत की बिना पर नहीं हुआ है, इल्म रखते हुए गुमराह हुआ है, नॉलेज मौजूद है उसके पास, उसके बाद भी गुमराह हुआ है, उसके नहीं कि बेवकूफ है ना, इल्म रखता है। एक साइंटिस्ट है वो कहता है कि लैब में खुदा नजर नहीं आता, मैं बहुत देख रहा हूं, ये खुर्दबीन से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा देख रहा हूं, खुदा नजर नहीं आता। तुम लैब में नजर नहीं आता, टटोल अंदर अंदर से आवाज आ रही है, कोई है तो क्यों लैब में देख रहे हो, जाते कहां हो, किधर और जगह झांकने की जरूरत नहीं है। हदीस में है कि अल्लाह कहां है, का टूटे हुए दिलों में है। चलो बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल फरज। अफराईत मन इत्तखदा इलाहु हवा अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मेन। फिर मैं आज ये पूरी मुकदमे की गुफ्तगू, आज जो है पूरा मुकदमा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर लीजिए और समझिए अच्छी तरह से। मैं पाकिस्तान में तकरीबन एक महीने के करीब रहता हूँ, यहाँ से 12 दिन कराची में, ये मेरा 30वां साल है, और शरीकतुल हुसैन में मौला इमाम ज़ैनुल इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के और 14 मासूमी के तुफैल, ये 14वां साल है, 14th ईयर है शरीकतुल हुसैन में, और कराची में 30 साल से पढ़ रहा, 30 साल से, यानी दो नस्लें मेरे सामने आ गई जी। हाँ, 5 का था वो कहाँ, 35 का हो गया जी, जो 35 का था माशाल्लाह।
तो नस्ल मुझे पहचानते हैं ना कि पहचानते, मुझे कोई तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लहजे से वाकिफ हो गए हैं, ये उर्दू जानता नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है, मगर कुछ बोलता ऐसा है कि सुनना पड़ता है जी। अजीब व गरीब है ना भाई, भाई कैफियत आपसे हमारा इश्क है ना, ये तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। 14 साल से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, 23-30 साल हो गए, हमने कभी कोशिश नहीं की है कि आपका कबूतर बिगाड़ करके अपना उल्लू ठीक कर लूं। जो जिम्मेदारी मेंबर की है उससे दुआ करता हूं, मालिक मुझे ये घंटा जो मिला है, ये घंटा पूरी मेरी गर्दन पे जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की तौफीक इनायत फरमा। अगर कुछ यहां से उठ के चले जाए ये कह करके आज हमने कुछ सीखा है तो मेरा मिशन सवाद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक देहात, एक छोटी जगह, बड़ा शहर नहीं, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता, उस शहर में मजलिसें, दो मजलिसें, बड़ा मजलिस के बाद एक जवान मिलना चाह रहा था, मुसलमान, मुसलमान आके मिला और उसने कम्युनिज्म की तरफ रगबत, यानी एथिज्म की तरफ रगबत, या कुरान पर शकूक वगैरह का इजहार किया। है मेरे साथ आप लोग, गौर करें बहुत अच्छी तरह से, यानी कराची में नहीं, लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद में नहीं, मैं बता रहा हूँ एक रिमोट, एक छोटे से शहर में एक नौजवान जो है एथिज्म यानी खुदा वगैरह की चक्कर बेकार की चीज़ है, ये कुरान भी जो है ये सरकार का लाया हुआ वगैरह इस तरह की बातें की। अब यहाँ पर फलसफे फलसफे माशाल्लाह टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े उलमा बैठते हैं, क्यों हमारे नौजवान हाथ से निकल रहे हैं, हाथ से निकलने की वजह क्या है, क्या बात है, हमारे नौजवान जो हैं अपने आप को ऐलान कर रहे हैं, एथिज्म के ऐलान कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में ऐलान कर रहे हैं कि मैं मजहब को मानता नहीं हूँ। चुनांचे किस एक नौजवान को एक यूनिवर्सिटी में जैसे बेचारा इजहार किया तो उसको डंडों से मार के ख़त्म कर दिया, आपके पास तारीख हुई ना वैसी, तो ये हुआ कि नहीं है, तो ये क्यों हुआ। मैं एक मुफक्किर हूँ, मैं एक छोटा सा तालिबे हूँ, मैं ऐसे ही वाकयात को जाने नहीं देता, मैं बहुत गौर करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ और दुनिया भर फिरता हूँ। नतीजा सुन लीजिए, पाकिस्तान के कई जवान बच्चे चाइना में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के कई बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के कई बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कनाडा में पढ़ रहे हैं, हत्ता रशिया में पढ़ रहे हैं। गैर मुस्लिम कंट्री में एक नौजवान मुस्लिम जाता है, वहां जाकर के प्रैक्टिकल देखता है, वहां कलमा नहीं पढ़ा जाता मगर जो चीज दीन ने बताई है सब कुछ वहां नजर आता है, तो वो बेदीन होता है क्या दीनदार हो जाएगा। जब देखता है कि चाइना में जो इस्लामी उसूल है वहां चाइना में चलते हैं, अमेरिका में चलते हैं, वेस्टर्न कंट्री में चलते हैं, यूरोप में चलते हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई खियानत नहीं करता, मुस्लिम कंट्री में आता है रास्तों के कचरों के साथ ख्यालात के कचरे देखता है। न सिर्फ ये देखता है कि दुनिया का इस तरह से गंदगी गंदी में गंदगी में रहता है मुसलमान, ख्यालात का कचरा भी देखता है, तो उसके नजदीक क्या रहता है, नतीजा ये निकलता है कि जाओ भाई बेकार हो गया दीन, अगर दीदार यही है, दीन यही है तो मैं दीन को मानने वाले के लिए तैयार नहीं हूं। नौजवान, मैं स्कॉलर से उलमा से गुजारिश करता हूं, फलसफा मत झाड़िए, सोसाइटी में प्रैक्टिकल रिलीजन को लाइए तब इनकलाब। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम लोग असीर हैं, काना हा इन्ना हादा दीन काना असीरन बे आयदिल अशरार। ए ए ए ए मालिक अश्तर होशियार रहो, ये दीन किसके हाथ में कैदी है, शरीर लोगों के हाथ में कैदी है। कौन है ये शरीर लोग, यत युमलो बिल हवा, ख्वाहिशात पर अमल करता है, वो यतलुबो बेही युतलबो बेही दुनिया,
इसके जरिए से मेंबर के जरिए से शोहरत चाहता है, मेंबर के जरिए से पैसा चाहता है, मेंबर के जरिए से दुआओं के जरिए से अपना घर भरना चाहता है। यह दुनिया तलब है, इसका दीन से कोई राबेता नहीं है। दीन क्या कहता है? दीन ये कहता है वो जा रजुल यसा काला या कौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरुन व हुम मुहतदून। वो भागते हुए आया, मुरसलीन की बात सुनो, नबियों की बात सुनो, ये कौन है? ये पैसा मांगते नहीं है और हिदायत याफ्ता है। आइंदा हम सुनेंगे, आइंदा और गुफ्तगू करेंगे। वो गुफ्तगू हमारी बहुत ही अहम गुफ्तगू, ये बता रहा हूँ कि मौजू बहुत खुश, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मालूमाती हो, फिक्री हो, और आप लोग जरा सा खुश, नई नस्लें रिलीजन को जरा सा सीरियस, लेकिन नेक्स्ट यू आर द पर्सन, तुम लोग फेस करने वाले हो, तुम्हें देखना है, तुम्हें शरीर से बचना है, तुम्हें शरारत से बचना है, तुम्हें धोखों से बचना है, तुम्हें झूठ से बचना है, तुम्हें खयानत से बचना है। तो इससे बचने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा रूट कॉज को, पहले देखना पड़ेगा कि असले प्रॉब्लम कहाँ है। जब प्रॉब्लम पता चल जाएगा उसका इलाज यकीनन, इसीलिए आजकल क्या करते हैं, जब बीमार जाता है हॉस्पिटल को इलाज नहीं करते, क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करो भाई, ब्लड टेस्ट क्या होता है, ब्लड टेस्ट में पता चल जाता बीमारी है क्या। ब्लड टेस्ट के बगैर आज सोसाइटी का ब्लड टेस्ट कीजिए, पाकिस्तान का ब्लड टेस्ट के बाद नतीजा निकालिए, रिपोर्ट देखिए कि ये नतीजा क्यों निकला, यहां कैंसर क्यों है, देखो नतीजा पता चल जाएगा। मौला ने 1400 साल पहले ब्लड टेस्ट का नतीजा बताया, इन हादा दीन असीरन बे आए दिल अश्रा काना असीरन बे आए दिल अश्रा। ये असीर है कैदी है। मौजू क्या है? दीने असीर। कुरान कहता है अफराई था मन इत्तखदा इलाहो हवा, क्या तुमने नहीं देखा उसने खुदा किसको बनाया है, ख्वाहिशात को, और अपना इल्म भी बर्बाद कर दिया, नॉलेज भी बर्बाद कर दिया, नॉलेज के बाद बर्बाद हो रहा है, नॉलेज नहीं है, नहीं है, बहुत बड़ी नॉलेज है उसके पास। खतम अल्लाह अला समईही वह कल्ब ही, उसके कान में भी अल्लाह ने क्या कर दिया, सील कर दिया है। वह जाला अला बसरे ही गिशावा, उसके आंख के सामने पर्दा डाल दिया है। फमैयाहदिल्ला, इसकी हिदायत अल्लाह के अलावा कोई कर नहीं सकता। अफला तज़क्करून, क्या तुम रिमाइंड नहीं करते, क्या तुम याद नहीं करते, क्या हालत है आज की, हालत आज की दुनिया की, कुरान ये बता रहा है। किस पे चल रही है कुरान ये कह रहा है, ख्वाहिशात पे चल रही है, ख्वाहिशात पर, जितने भी लॉ बन रहे हैं ख्वाहिशात पर। मगरिब में भी ये मजलिसें सुनी जा रही हैं, कई जगह पर रिले हो रही हैं, आजकल कनाडा में वेस्टर्न कंट्री में एलजीडीबी की चक्कर चलाई जा रही है कि बच्चे को ये मत पूछो कि ये लड़का है या लड़की है, खुद ग्रो होने दो, खुद बताएगा। अरे भाई क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो यार, अरे अभी तक तुम अंधेरे में रहे हो, एक ख्वाहिशात की दुनिया में ले जाना चाहते हो। एक लड़का 14 साल का ड्राइव कर रहा था, पुलिस ने रोका, क्यों ड्राइव कर रहे हो, कि मैं 30 साल का महसूस कर रहा हूं, जी मैं 30 साल का महसूस कर रहा हूं। तुम महसूस कर रहे हो, कानून तुम्हें इजाजत नहीं देता, जब ड्राइविंग की इजाजत नहीं है तो माशरे को तबाह करने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह। इन हालात में बेहतरीन बेहतरीन जो रास्ता है, राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इन मजालिस का वजीफा है, वजीफा है, वजीफा समझते हैं ना, मौली साहब देते हैं ये वजीफा पढ़ो, ये वजीफा पढ़ो, रोटी अच्छी मिलेगी, खाना अच्छा मिलेगा, हाँ नौजवान गया मुझे शादी चाहिए, लड़की चाहिए, अच्छा लड़की चाहिए, कौन सी लड़की चाहिए, जरा पैसे वाली मौलाना, अच्छा ये वजीफा बहुत कबीर है जी, खदीजतुल कुबरा मिल जाएंगे तुम जी जी। वजीफा मुहर्रम का वजीफा क्या है,
लिख के रखिए वजीफा क्या है। कौन बता, मैं बताऊं ना। जियारत अरबाइन, क्या है जियारत अरबाइन? मोमिनीन की निशानियों में से एक निशानी। जियारत जा के आ जाने का नाम नहीं है। जव्वार बन के आए बड़े शोर व शाइन से, ईमा लिपट के रह गया कब्रे हुसैन से। हर साल जा रहे हैं का वाक वाक अरबाइन वाक को जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, अरबाइन वाक जा रही हैं। हैं अभी वापस नहीं बैठे थे, प्लेन में नहीं बैठे थे, धांधलियां शुरू हो गई। प्लेन में नहीं बैठे थे, चादर निकलने लगी। कौन है ये लोग? यही लोग हैं जो पैदल गए थे। आपने देखा 20 मिलियन में कितनी आबादी औरतों की, कम से कम 10 मिलियन औरतें, एक बाल नजर नहीं आता, लेकिन प्लेन में सब बाल। किसको धोखा दे रहे हो? क्या चाहते हो? आईना तदहबून कई फतह कमून, किस तरह से फैसला करते हो, किधर जा रहे हो? तुम समझते हो इमाम हुसैन की जियारत यह है कि तुम जाके आ जाओ? ना, जियारत यह है कि कुछ नूर लेकर आओ ताकि जिंदगी में तब्दीली आए। नूर लेकर आओ। इंशाल्लाह वक्त हो चुका है, कल बताऊंगा कि वजीफे क्या हैं, मुहर्रम के वजायफ क्या हैं, क्या करना चाहिए इन 10-12 दिन में। हमारे वजायफ क्या हैं? पहला वजीफा ज़ियारत अरबईन का बता दूं, कल इंशाल्लाह शरह करूंगा। और ओके, फ़ाज़र बिद्दुआ व मनहन नस्ह, जितने भी सलीके हैं दावत के बुलाने के, सब मौला ने अडेप्ट कर लिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे सलीके बता दिए और नसीहतों को बहुत ही इखलास और मोहब्बत से पेश कर दिया, यानी नसीहतों की एहसानात फरमा दिए। व बदल मोहजतों फी कल यस्तन कद इबाद कमिनल जहाला वल अमा व शक वल इर्तियाब इला बाबिर रिदा मिनल हुदा मिनल रिदा इलल हुदा। यह है हुसैन, मासूम की दी हुई जियारत, मासूरा जियारत है जियारत अरबईन, किसी और की नहीं। इमाम ने बताया इस तरह से जियारत करो, बहुत सी जियारतें गैर मासूरा हैं, मगर कुछ दुआएं कुछ जियारतें मासूरा हैं। इमाम ने प्रिस्क्राइब की, जैसे जियारत वारिस साहब पांचवें इमाम ने प्रिस्क्राइब किए हैं इस तरह से जियारत करो। जियारत जामे कबीरा इमाम हादी ने प्रिस्क्राइब की, बताएं इस तरह से जियारत करो। जियारत अरबईन भी प्रिस्क्राइब शुदा मासूम की दी हुई जियारत है। इस जियारत का टुकड़ा क्या है? इमाम हुसैन ने अपने पूरे फराइज अदा कर दिए, अपना सब कुछ दे दिया। बदल मोहजत हुफी का, अपना सब कुछ दे दिया। इस सब कुछ में मैं बयान नहीं कर सकता क्या दिया हुसैन ने, काहे के लिए? लियस्तनकदा इबादका मिनल जहाला, ताकि तेरे बंदों को, शियों को नहीं, सारे इंसानों को जहालत के अंधेरे से निकाल कर हिदायत तक पहुंचा दे, यानी ख्वाहिशात से निकाल कर हिदायत की तरफ चला जाए, हुदा की तरफ जाए, हवा से निकल जाए। ये इमाम हुसैन का मिशन है। अगर हम चाहते हैं ये मुहर्रम हमारा पूरा बेनिफिशियल मुहर्रम हो, इसका इस्तेफादा हो, तो ये हवा की दुनिया से निकलें, हिदायत की दुनिया में आए। हिदायत की दुनिया क्या है? अपना सब कुछ दे दिया हुसैन ने, अपना सब कुछ दे दिया। काहे के लिए? इंसानों को बचाने के लिए, शियों को नहीं, सारे इंसानों को। जिस तरह से कुरान में है कि इंसानियत फी दलाल मुबीन में थी, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين। 50 साल के बाद फिर वही अंधेरे आ गए, फिर बड़े इनकलाब की जरूरत थी, फिर हुसैन उठे, फिर हुसैन उठे। तो मुहर्रम कहां से शुरू हुआ? मुहर्रम करबला से नहीं शुरू हुआ, मुहर्रम
मा ओदिया नबीयन कद, तो किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई जितनी अजियत मुझे दी गई रसूल अकरम। मा ओदिया नबीयन, किसी नबी को इतनी अजियत नहीं हुई, किसी को तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे तकलीफ। मा ओदिया नबीयन, किसी को नहीं, यहां तक के जख्मी होते थे फातिमा जहरा जख्म पट्टी मरहम पट्टी। अल्लाह रहमतुल्लिल आलमीन, पूरे मक्के की जिंदगी में जख्म जबान खाए, पत्थर के जख्म खाए, अफकार के जख्म खाए, लेकिन सिवाय दुआ के कुछ नहीं दिया। हमेशा दावत, हमेशा दुआ, हमेशा रहमत की बातें, हमेशा अच्छाइयों की बातें। ये बताया कि देखो सलीका इस तरह से है कि जख्म खाने वाला ही इनकलाब ला सकता है। वहां पत्थर और यहां क्या तवज्जो, बहुत अच्छी तरह से। तो कहां से करबला शुरू होगी, कहां से पड़े मसाइब को आगे भी बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं पढ़ूं सरकार के बाद। और अगर कोई मसाइब को करबला के बता सकता है वो फातिमा जहरा है। सुब्बत अलैया मसाइब लवन्ना जी, बीबी आती है ना वे, बीबी आती है, देखिए पहलू में है कहीं है। सुब्बत अलैया मसाइब लवन्ना, बाबा बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो शबहाए तारीख में बदल जाते। मुझे नहीं मालूम ये तर्जुमा क्या है, बड़े उलमा से स्कॉलर से आज भी बहुत रिसर्च करता हूँ, क्या कहना चाहती थी शहजादी मुझे पता नहीं है। इतना कहूँगा कि शहजादे अपने पसलियों की बात नहीं कर रही है, अपने मोहसिन की शहादत की बात नहीं कर रही हैं। कहीं गलत फहमी में ना रह जाएं कि ये मुसीबतें शहजादी के लिए बड़ी मुसीबत है। शहजादी के लिए बड़ी मुसीबत यह है अली जैसा रहबर गोशे में बिठा दिया गया। या अली, सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते, आ, 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 आ। या अली, सुना है लोग तुझे सलाम नहीं करते। क्या फातिमा, बात ऐसी नहीं है, मैं सलाम करता हूं तो जवाब ले। चांद रात है और हमारे पास आजादारी की इब्तिदा है। आहें हमारा खजाना है, हमारे दिल का सुकून है, हमारे दिन की आहें हैं, हम अपने गम को भुला देते हैं। चुनांचे मैं कहा करता हूँ कि अभी बच्चा पैदा हुआ है या रसूल अल्लाह, अभी नन्ना बच्चा है, न्यू बॉर्न है, जरा माँ को खुश रहने दीजिए, जरा उसको खुश हो जाने दीजिए। मगर ये घराना अजीब घराना है, गोद में बच्चे को लिया रोने लगे। अगर किसी का नाना रोए तो माँ कहेगी अब्बू अब्बू ये क्या बदशगुनी है, जरा सा खामोश हो जाइए, ऐसी बातें क्या कर रहे हैं। लेकिन ये घराना अजीब घराना है। फातिमा ने पूछा बाबा खैरियत है, कहाँ खैरियत क्या है, अभी जिब्राइल आए थे, कह रहे थे ये 3 दिन का भूखा। तीन दिन का भूखा प्यासा शहीद। ओ शहजादी समझ गई कि मसला बहुत खतरनाक है, अब ये बहुत बड़े इनकलाब की बात हो रही है, ऐसे मौके पर किसकी जरूरत है। पूछा बाबा क्या आप नहीं होंगे, इन्हें मतलब है कि ऐसे मौके पर तो आपका होना जरूरी है। कहा ना 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 मैं नहीं होऊंगा। कहा मैं कहना तुम भी नहीं रहोगी। कहा अली, कहा ना अली भी नहीं। कहा बेटा हसन, कहा ना, फिर इसका कौन होगा। इसका कौन होगा,
इसका गरीब का कौन होगा। रसूल ने तसलियत दी, बेटी घबराना नहीं, एक कौम पैदा होगी जिसके बच्चे तेरे बच्चों पर, जिसके जवान तेरे जवानों पर, जिसकी औरतें तेरी औरतों पर। हाँ बीबी, कोई माँ अपनी गोदी खाली करती है अपने बच्चे पे नहीं रोती। अली असगर का मर्सिया होता है, कोई जवानी में इब्तदाई जवानी में जाता है औना मोहम्मद का मर्सिया होता है, कोई जवान मर्द मरता है अली अकबर का मर्सिया होता है, किसी का भाई जाता है हाय अब्बास, कोई बुजुर्ग जाता है हाय हुसैन। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, हाय हुसैन, हाय हुसैन। हमारा सलीका यही है कि हम जिसे हैं, कल 29 को चांद नजर नहीं, आज तो चांद नजर आ गया ना भाई, आज कोई बाहर जाके देखता नहीं, क्यों भाई आज 30 तारीख है, देखने की जरूरत ही नहीं है, कल पहली है। आपकी पहली हो गई मगर हुसैन करबला के रास्ते में चांद को देख रहे हैं, कलमे इस्तिरजा इन्ना लिल्लाह माँ। बहन ने पूछा, ए मेरे माँ जाए क्या मसला है। मैं कहूँ जरा बीबी, मैं बता देता हूँ, जो हुसैन देख रहे हैं आप नहीं देख रही हैं, हुसैन चांद नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं अली असगर के गले में तीर है, अब्बास के बाजू कटे हुए हैं, अली अकबर के सीने में तीर है, और हुसैन देख रहे हैं कि 3 दिन का भूखा प्यासा। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله خدایا پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے مظلومین مومنین کی مدد فرما مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما خدایا پروردگارا اس ممالک اسلامیہ میں پھر قتل و غارت کا بازار گرم ہو رہا ہے پھر مرثیہ خان آزاداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مالک ان کے گنوں کو انہی کی طرف لوٹا دے خدایا پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما بیماروں کو شفا دے ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے خدایا پروردگارا ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہمارے مرحومین کے برزخی حالات بہتر سے بہتر کر دے ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما